अगर आपको कॉफी पीने का शौक है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये अमेजोन पर अवेलेबल है। इसका नाम है नेस्कैफे ई स्मार्ट कॉफी मेकर और इसकी कीमत है 6,499 रुपये। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है नेस्कैफे का कनेक्टेड मग। अगर आपको कॉफ़ी पीना पसंद है तो ये जो प्रोडक्ट है आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ये जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इसकी कीमत है 6,499 रुपये। ये ब्लूटूथ के जरिए आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो जाता है और स्मार्टफोन का उपयोग करके आपको जिस प्रकार की कॉफ़ी बनानी है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और जो प्रोसेस है कॉफ़ी मेकिंग का वो शुरू कर सकते हैं। की स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स बॉक्स पर दिया हुआ है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं सबसे पहले। और आपको मैं बता देता हूँ कि इस बॉक्स पैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। वैसे बॉक्स का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इतना बड़ा नहीं है। ये लीजिए, मैंने इसको खोल दिया है और अंदर आपको ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पेपर मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और इस प्रकार से जो कनेक्टेड मग है उसे पैक किया गया है। ये जो भाग है नीचे वाला, इसे पहले मैं खोल देता हूँ क्योंकि इसमें है मेन मोटर। और ये लीजिए, इसे मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर आपको जो मेन मोटर है वो मिलता है, पावर कॉर्ड के साथ में कनेक्टेड है। यूज़र मैनुअल भी है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको इस डिवाइस का उपयोग करना है, किस प्रकार से आप इसे धो सकते हैं। वारंटी कार्ड भी है और ये है मेन मोटर, इस प्रकार का दिखता है। और इसके ऊपर जो कनेक्टेड मग है आपको प्लेस करना है। टेक्निकल जानकारी नीचे की तरफ दी गई है, फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको ये स्पून भी मिलता है, इसमें 2 ग्राम और 3 ग्राम का ऑप्शन है, मतलब कि इसमें आप जो कॉफ़ी है वो डाल सकते हैं। जो एप्लीकेशन है उसी में आपको जानकारी मिल जाएगी कितना कॉफ़ी आपको डालना है। और ये है मेन कनेक्टेड मग। वैसे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बहुत मजबूत भी है और थोड़ा सा भारी भी है, इतना हल्का नहीं है। और ये जो भाग है इसे आपको जो मशीन है उसके ऊपर प्लेस करना है। ये देखिए, ये है कनेक्टेड मग। इसके ऊपर एक कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर वाला भाग है इसे आपको खोल के रखना है जब कभी आप कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। ये है मेन मोटर और इस पर एक सिंगल बटन दिया हुआ है यहाँ पर। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे रबर पैडिंग दिया हुआ है ताकि इसे अच्छा सा ग्रिप मिल जाए और अपनी जगह पर रहे, हिले नहीं। पावर कॉर्ड दिया हुआ है, इसे आपको जो स्लॉट है उसमें डालना है। और ये है कनेक्टेड मग, इसे आप देखिए इस प्रकार से खोल सकते हैं। पहली बार आप इसे खोलेंगे तो अंदर आपको ये कार्डबोर्ड मिलेगा, इसे आप निकाल सकते हैं और इसे आप फेंक दीजिए। और अंदर छोटा सा मैकेनिज्म है जिसे फ्रॉथर कहते हैं, ये देखिए इस प्रकार का दिखता है। इससे झाग क्रिएट होता है, क्रीमी कॉफ़ी का मज़ा आप ले पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैग्नेटिक भी है, आसानी से निकल भी जाता है और अटैच भी हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ है कि ऑलवेज ओपन दिस प्रेशर रिलीज कैप बिफोर प्रिपरेशन। मतलब जब कभी आप कॉफ़ी बनाते हैं इस डिवाइस का उपयोग करके तो आपको इसे खोल के रखना है ताकि अंदर जो प्रेशर बिल्टअप होता है वो यहाँ से निकल जाए। नेस्कैफे का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप पेयरिंग कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन को इस डिवाइस के साथ में ब्लूटूथ के ज़रिए। और उसके बाद में जब आप पेयरिंग करते हैं तो आपको ये जो कनेक्टेड मग है इसे इस डिवाइस के ऊपर इस प्रकार से रखना है और उसके बाद में जो पेयरिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करना है। ये देखिए, अब इसने डिटेक्ट कर लिया है, जो कनेक्टेड मग है उसे डिटेक्ट कर लिया है और ये ऑटोमेटिकली डिवाइस के साथ में पेयर हो जाएगा। ये देखिए, अब ये पेयर हो गया है, आपको ये बटन प्रेस करना है ताकि पेयरिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये तैयार है। आप 3 प्रकार के कॉफ़ीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, ये देखिए, और ये तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो अपना भी जो रेसिपी है क्रिएट कर सकते हैं कॉफ़ी बनाने का। तो मैनुअली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको हॉट कॉफ़ी चाहिए या ठंडा कॉफ़ी चाहिए, अगर आपको नॉर्मल कॉफ़ी चाहिए या फिर क्रीमी कॉफ़ी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने ये कैपेचिनो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। आपको एक स्मॉल कॉफ़ी डालना है, 30 ml का वाटर डालना है, पानी डालना है और 170 ml का मिल्क डालना है। और ये देखिए, ये जो फ्रॉथर है ये मैग्नेटिक है और इसे आपको इस प्रकार से इसके ऊपर रखना है। पहली बार जब आप इस कनेक्टेड मग का उपयोग करते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे वॉश कर ले, धो लीजिए। ये लीजिए, मैंने इसमें जितना अमाउंट बताया था उतना कॉफ़ी डाल दिया है, पानी डाल दिया है और नॉर्मल दूध डाल दिया है। इसे आपको गर्म नहीं करना है, तो नॉर्मल दूध मैंने डाला है क्योंकि जो कनेक्टेड मग है ये दूध को गर्म भी कर देगा और कैपेचिनो स्टाइल कॉफ़ी बना देगा। तो आपको सिर्फ बटन्स को प्रेस करना है, आप स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। और जब कभी ये कॉफ़ी बन रहा है तो आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपको कोई गेम खेलना है तो गेम का ऑप्शन भी है। जब तक कॉफ़ी बन रहा है आप स्मार्टफोन पर गेम खेल सकते हैं। ये लीजिए, प्रोसेस शुरू हो चुका है,
कॉफ़ी बनना शुरू हो गया है। आवाज़ बहुत ही कम आती है इसमें, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। ये देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन पर गेम खेल सकते हैं। ये देखिए ये गेम शुरू हो चुका है। वैसे जो कॉफ़ी है एक मिनट या डेढ़ मिनट में बन जाता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, जब कभी आप कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं तो जो गेमिंग ऑप्शन है उसे डिसेबल कर सकते हैं। ये लीजिए, जैसे ही कॉफ़ी तैयार हो जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और यहाँ पर भी जो प्रोसेस है बंद हो जाता है। ये लीजिए कैपेचिनो कॉफ़ी तैयार है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, आप इसके साथ में वार्म कॉफ़ी भी बना सकते हैं और कोल्ड कॉफ़ी भी बना सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी के लिए आपको ठंडा दूध का उपयोग करना पड़ेगा, और ये जो कनेक्टेड मग है इसी में से आप डायरेक्टली कॉफ़ी पी सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप एक बार में सिंगल कॉफ़ी बना सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी जल्दी बन जाती है, तो मल्टीपल बार आप कॉफ़ी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बच्चे जो बूस्ट या कॉम्प्लान पीते हैं दूध में मिक्स करके, तो उसके लिए भी आप इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्सिंग हो जाती है और अच्छा झाग भी मिल जाता है, तो बच्चों को ये काफ़ी पसंद आने वाला है। इसमें अगर आप हॉट चॉकलेट ड्रिंक या फिर कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक इसमें बनाते हैं। कॉफ़ी मग को धोना आसान है और इस पर कॉफ़ी बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं या फिर जो बटन दिया हुआ है उसका उपयोग भी कर सकते हैं, मतलब कि बटन को प्रेस करके कुछ देर होल्ड करेंगे तो आप हॉट कॉफ़ी या फिर कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं। उसका जो इंस्ट्रक्शंस है मैनुअल में दिया हुआ है। तो ये है नेस्कैफे का ई स्मार्ट कॉफ़ी मेकर। अगर आप रोज़ कॉफ़ी पीते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। ये अमेज़न पर अवेलेबल है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीमत है 6,499 रुपये। तो ये ई स्मार्ट कॉफ़ी मेकर आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।